अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से इंशाल्लाह। हमारी दुआ है कि हमें देखने वाले जहां रहें खुश रहें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो आप पहली मरतबा देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आपको मिल सके। और इसके साथ ही अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी हेल्प करना चाहते हैं, तो भी भाई ये नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ ही सब्सक्राइब आ रहा है, इसको प्रेस कर दें, आपकी सपोर्ट भी हमें मिल जाएगी और हमारी हेल्प भी हो जाएगी। थैंक यू। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे पाकिस्तानी भाई, इंडियन भाई और बांग्लादेशी भाई हमारे मलेशिया में रह रहे हैं, उनको सोशल मीडिया के जरिए से जनाब गलत गाइड किया जा रहा है, फेक न्यूज़ उनको सेंड की जा रही है। तो मैं उनको क्लियर करूंगा आउटपास के पैसे, रिहाइनिंग प्रोग्राम के पैसे, कितनी एज होनी चाहिए, पासपोर्ट कितना वैलिड, इस लिहाज से उनको जो है वो फेक न्यूज़ सेंड की जा रही है, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, और ऑफिशियल जो है वो भी आपको न्यूज़ जो है उससे भी अपडेट करूंगा। और उसके साथ ही जो बंदे आउटपास लेके अपनी कंट्रियाँ वापस जाना चाहते हैं उनके मतलब बात करेंगे, जो बंदे दूसरी कंट्रियों से मलेशिया वापस आना चाहते हैं, उधर स्टक हो गए, फंसे हुए हैं पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में, उसके मतलब बात करेंगे। और उसके साथ ही मलेशिया की जो मौजूदा सूरत हाल है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, इसके मतलब करेंगे। और साथ ही जनाब आपको थोड़ा बताना है कि इमिग्रेशन मलेशिया को भी ऑर्डर मिला है कि जनाब आप थोड़ा प्रेशर भी टाइट करें, इधर से रिहायरिंग भी खुल गई है और उधर से जो है वो अनलीगल का थोड़ा सफाया भी करें। जिस तरह पहले आपको पता है लॉकडाउन हुआ था जनाब, कोरोना के टेस्ट भी किए गए थे और साथ में बंदे भी साफ किए गए थे, बंदों को भी जो है वो अंदर डाला गया था, तो उस सारे के मतलब मैं आपको थोड़ा अपडेट करूंगा और थोड़ा आपको जो है वो बताऊंगा कि जनाब प्लीज थोड़ी एहतियात करें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मेरे भाइयों को फेक न्यूज सेंड की जा रही है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं, यहां पे आप जो है वो पढ़ सकते हैं इसको। तो इसमें जनाब जो भी टोटली लिखा हुआ है ये सारा फेक है। इसमें लिखा हुआ कंपाउंड 500 रिंगिट है, कंपाउंड जनाब इमिग्रेशन मलेशिया ने 1500 रिंगिट रखा है, एज का कोई मसला नहीं है इसमें, एज का भी लिखा हुआ है, पासपोर्ट इतना वैलिड होना चाहिए, टोटली जो कुछ भी लिखा है मुख्तसर जनाब इसमें सब कुछ फेक है। तो इसके ऊपर आपने नहीं जाना, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, ये एजेंटों की खुद की क्रिएट की हुई है और वही इसको फैला रहे हैं। भाई मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने पहले ऑलरेडी बना दी उनमें भी मैंने आपको बताया था, जब रिहायरिंग स्टार्ट हुई है उसके ऊपर 3-4 वीडियो ऑलरेडी मौजूद हैं, मैंने आपको बताया था कि एजेंट ने जनाब पूरी धमाल डाल दी है कि पूरा जना अभी दिहाड़ियां लगेंगी हमारी, तो वो दिहाड़ियां लगाने के चक्कर में आप इनके ऊपर ना जाए। बहुत सारे दोस्त जो है वो मुझे उल्टा कहते हैं कि भाई तू झूठ बोल रहा है, हमें ये न्यूज मिली है, और मेरे भाई ये फेक न्यूज है। जब आप पैसे दे दोगे किसी को, जब अगला बंदा पैसे लेके भाग जाएगा, फिर आपका व्हाट्सअप का जवाब नहीं देगा या आपसे मिलेगा नहीं, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा बंदा सच बोल रहा है, कौन सा झूठ बोल रहा है। मैंने भाई आपसे झूठ बोल के क्या लेना है, मैंने आपसे कोई पैसे लेने हैं या मैं कोई आपका एजेंट हूं या मैं कोई एजेंट हूं जिसने आपको आउटपास लगवा के देना है? झूठ भाई वही बंदा बोल सकता है जिसने आपसे पैसे लेने हैं, जिसको आपसे कोई मतलब है। तो सरकार मेरा तो यही है कि मैं भाइयों को जो है वो सही तरीके से गाइड कर सकूं। तो भाई जान मेरी आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने करनी तो अपनी मर्जी है, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट एक सुन लें कि किसी को पैसे देने से पहले, किसी के ऊपर एतबार करने से पहले या किसी की बातों में आके जनाब चूना लगवाने से पहले आप प्लीज़ भाई को एक मैसेज कर लें कि भाई जान ये बंदे ने मुझे इतना बोला है, भाईजान इतने पैसे मांग रहा है इस काम के, ये काम खुला हुआ है, इतने पैसे में हो रहा है, किस तरह हो रहा है और कब हो रहा है, कितने दिनों में हो जाएगा। तो मैं एक छोटे से मैसेज में 2-3 लाइन में आपको इसकी मुकम्मल डिटेल समझा दूंगा कि भाईजान ये इस तरह है, आपने इस तरह करना है, ठीक है? तो इससे जनाब हो सकता है आपका फायदा हो जाए, नुकसान कोई नहीं होगा आपका, ठीक है जी? वो सिर्फ 2-3 लाइनें आपने मुझे सेंड करनी है, उनसे आपका हो सकता है फायदा हो जाए, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है भाईजान? अभी मैं भाइयों को जो है वो ऑफिशियली पोस्ट जो इमिग्रेशन मलेशिया ने अनाउंस की है वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये आप देख लें, वीडियो स्टॉप करके आप पढ़ लें। इसमें रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है कि कौन कौन से बंदे अप्लाई कर सकते हैं, कहीं एज का नहीं लिखा, पासपोर्ट का लिखा हुआ है कि जनाब 18 माह जो है वो वैलिड होना चाहिए, और उसके साथ बाकी रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है। कंपाउंड जनाब इसमें लिखा हुआ है 1500 रिंगिट, और 1500 रिंगिट ही है, ठीक है? वो फेक न्यूज में कुछ और लिखा हुआ है, आपने उसके ऊपर नहीं जाना। और इसमें एडवांस पेमेंट लिखी हुई है 500 रिंगिट, जो 500 रिंगिट है वो एडवांस देना पड़ेगा, ठीक है जी? और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जनाब इसकी लेवी कितनी है, परमिट की फीस कितनी है, प्रोसेस की कितनी है, फोमीमे की कितनी है, तो 8-10 हज़ार रिंगिट नहीं है। बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भाईजान एजेंट कह रहा है 7 हज़ार रिंगिट लगेगा, बंदा कह रहा है ये 8 हज़ार रिंगिट लगेगा, तो भाईजान ऐसी कोई बात नहीं है, उसका अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, वो ज्यादा पेमेंट नहीं होती, ये सारा 3-4 हज़ार रिंगिट के अंदर अंदर काम हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहता कि कितने में हो रही है, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कितने में हो रही है, इमिग्रेशन मिशन ने अभी अनाउंस ही नहीं किया। तो जैसे इंशाल्लाह अनाउंसमेंट होती है तो मैं आप दोस्तों को इसी तरह वीडियो बना के आप दोस्तों को अपडेट करूंगा कि भाई जान यहां पर इतने पैसे लगेंगे, यहां पर इतने पैसे लगेंगे और यहां पर इतने पैसे लगेंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि फेक न्यूजों से बचे, कोई फेक न्यूज मिले तो भाई से वेरीफाई एक मरतबा जरूर कर ले, अगर मुझे पता हुआ तो मैं आपको गाइड जरूर करूंगा। पंजाब टू मलेशिया मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसी इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चैनल के अबाउट में भी मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, पिक्चर जो आपको मिले वो मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह 2-3-4 घंटे में जैसे फ्री हुआ, मैसेज मुझे मिला, मैं आपको रिप्लाई करके गाइड करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी?
अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमिग्रेशन मलेशिया को भी थोड़ा पुश किया गया कि जनाब आप भी ऑपरेशन करें, ठीक है जी। रीहायरिंग तो खुली गई है, साथ साथ बंदों की सफाई भी करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह पहले मार्च में, अप्रैल में, मई में, जिस तरह पहले कोरोना में लॉकडाउन था, सरकार जिन कंडों में कोरोना क्रेसिस फैले थे उनको लॉकडाउन करके, जनाब उनको लॉकडाउन में लेकर उनका मुकम्मल ऑपरेशन किया गया था, मुकम्मल बकायदा डॉक्यूमेंट चेक किए गए थे और बहुत सारे बंदे जो है वो निकाल के जेलों में डाल दिए गए थे। कल मैंने इसका एक लाइव सीन देखा है, वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है अगर 100 बंदा मुझे देख रहा है तो 100 में से 5 बंदों ने शायद वो देखा होगा, जो बंदे पुराने होंगे मलेशिया में या जो बंदे प्रॉपरली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव सुनते हैं उनको पता होगा, बाकी बंदे इससे बेखबर है। तो जनाब मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है, ठीक है जी। कल दातो इस्माइल साबिर यकूब जो मलेशिया डिफेंस मिनिस्टर है, सीनियर मिनिस्टर है जनाब, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी आदत है, मैं डेली जो है वो लाइव सुनता हूँ ताकि मुकम्मल पता चले कि इनके SOP क्या है और किस तरह जो है वो काम कर रहे हैं, इनका आगे आने वाला प्रोसेस क्या है, ठीक है जी। तो उसकी वो मैं सुन रहा था जनाब, उसमें जैसे ही उन्होंने क्लोज किया मुकम्मल SOP के मतलब, हर चीज़ के मतलब उन्होंने ब्रीफ किया कि इतने ऑपरेशन किए, इतने बंदे कल आ गए, क्वारंटीन भेज दिए, इतने केसेस निकले, ये हो गया, वो हो गया, वो मुकम्मल ब्रीफ करके जनाब जैसे ही उन्होंने अपनी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लोज की और उन्होंने बोला कि साया बुक्का हम तो सवालन, कि किसी बंदे का जो सवाल है वो मुझसे मीडिया पूछ सकता है। तो जनाब साथ ही एक न्यूज़ एंकर खड़ा हो गया और उसने एक सवाल किया, यकीन करें मैं परेशान हो गया उसका सवाल सुन के। न्यूज एंकर ने जनाब सवाल कर दिया कि दातो जितने फॉरेनर्स हैं मलेशिया में, जितने गैर मुल्की हैं, सबके कोरोना टेस्ट किए जाएं 8-10 दिन में। तो यकीन करें मैं लाइव देख रहा था, मुझे थोड़ा झटका लगा, मैं है यार ये कैसा सवाल होगा, सबके कोरोना टेस्ट किए जाएं, गैर मुल्की को क्या हो गया मलेशिया में। तो जनाब मैं ना थोड़ा मैं इंटरेस्ट हुआ मुझे वीडियो में कि अभी देखते हैं क्या जवाब मिलता है। तो जनाब दातो ने फिर बताया उसको कि जनाब हमारे पास जो है वो इतनी लैब्स नहीं है, इतनी स्टिक्स नहीं है, इसका पैसा कौन देगा। पहले भी ऐसे हुआ था जिन एरियों में कोरोना केसेस निकले थे, फॉरेनर ज्यादा थे, उन जगहों को हमने जो है डॉक्टरों को बोला कि इनके कोरोना टेस्ट किए जाएं, तो बहुत बहुत बड़ी लंबी जो है वो क्यों लग गई थी। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो तस्वीरें वायरल होना शुरू हो गई थी कि इस तरह तो कोरोना और फैल जाएगा, ये कौन सा तरीका है, इस तरह कोरोना बहुत फैलेगा, फलां हो गया, ये हो गया। तो इस तरह जो है वो हम इनके टेस्ट नहीं कर सकते, मिलियन मिलियन लोग हैं मलेशिया में, इनकी कॉस्ट कौन पे करेगा, तो इस तरह नहीं हो सकता, इसकी हमको SOP बनाते हैं, जैसे बनाएंगे फिर आप दोस्तों को भी अपडेट करेंगे। तो इस तरह करके ना उन्होंने ब्रीफ किया जी। तो जैसे ही मैंने ये सारा सुना, ये सारा मामला देखा, तो यकीन करें मुझे ना हैरानी सी हुई, यार ये क्या मामला है, पहले तो डिस्कस ही नहीं हुआ, ये क्यों डिस्कस हुआ आज। तो फिर मैंने ना सोशल मीडिया के ऊपर जो मलेशिया के फेसबुक ग्रुप्स हैं या उनके न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू की कि यार ये हुआ क्या एक्चुअली। तो 2-3 दिन पुरानी मैंने न्यूज़ देखी कि जनाब न्यूज़ में क्या देखा, अभी आप दोस्तों के सुनने वाली और जनाब इस पर अमल करने वाली थोड़ी सी बात है, ठीक है, गौर व फिक्र वाली थोड़ी सी बात है। उसमें उन्होंने बताया कि जिस जगह पे जिन एरियों में गैर मुल्की ज्यादा रह रहे हैं वहां पे कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, 3-4-5-10 दिन में, 1 हफ्ते से जिन एरियों में गैर मुल्की ज्यादा है वहां पे कोरोना के बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, ठीक है जी। उसकी वजह भी सामने आई फिर कि जिन एरियों में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, म्यांमार, नेपाली, ये हमारी कंट्रियां जो है ये बंदे ज्यादा रह रहे हैं वहां पे कोरोना केसेस हैं। तो जनाब उसकी वजह ये हुई है कि 3-4 दिन पहले कुछ ऐसी जगहों पे कोरोना केसेस निकले हैं जहां पे एक बंदे को कोरोना का जो है वो केस हुआ, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और सरकार साथ ही जब चेक किया गया तो एक एक घर में 30-30 बंदे मिले हैं, एक कंडों में एक घर में अभी उन्होंने 5-7 बंदे 10 बंदे अलाउ किए हैं, तो जनाब 15 बंदे मिले हैं, 20 बंदे मिले हैं, 25 बंदे मिले हैं। दातो ने बोला अपनी ब्रीफिंग में, अल्लाह की कसम मैं हैरान रह गया यार, उसने बोला कि 30-30 बंदे भी एक घर में रह रहे हैं, तीगा पुल और बोले डूडो डलम सतुरुमा, मैं हैरान हो गया, मैं यार 30 बंदे एक घर में, तो बोल रहा है किचन में सोते हैं, वॉशरूमों के दरवाजों के सामने। तो इस तरह करके यार बंदे हमारे रह तो रहे हैं लेकिन इस तरह करके जो है ना वो बहुत हमारी जो है वो सिचुएशन खराब है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया दोस्तों, मलेशिया का सोशल मीडिया जो है, अगर आप वाकफ हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि एक तस्वीर अगर बंदा आपकी बना लेता है ना, आप रोड के ऊपर खड़े हैं, 3-4 बंदे आपकी पिक्चर बंदे ने ले ली, तो यकीन करें अगले 10 मिनट में पूरे मलेशिया में वायरल हो जाएगी। उनका सोशल मीडिया इस तरह का है, फेसबुक और दूसरी जो उनकी वेबसाइट्स हैं वो इस तरह की, उनके ग्रुप्स इस तरह के हैं कि जनाब बंदे हर वक्त एक्टिव रहते हैं, पूरी उनकी जो एक्टिविटी उधर में जो है वो देखी जाती है। एक तस्वीर बंदे ने ली, सोशल मीडिया पर डाली, अगले 10 मिनट में जो है तकरीबन जनाब अपना अगर 4% मलेशिया तो हाफ मलेशिया जो है 2% लोग जो है वो जान चुके होंगे कि ये बंदा कौन है और क्या कर रहे थे, क्या सारा चक्कर है, क्या न्यूज़ क्या है, ठीक है जी। इस तरह का उनका सोशल मीडिया है। दोस्तों अभी बात यह है कि मैं इस चीज़ की गहराई में नहीं जाना चाहता कि आप मलेशिया किस तरह रहना चाहते हैं, घरों में क्यों रह रहे हैं इस तरह, या क्या सारा चक्कर है, वीडियो लंबी हो रही है, फिर दोस्त कहते हैं वीडियो बहुत लंबी होगी, थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है यार, कम से कम बंदा को टाइम दे वीडियो में, उसको कुछ मिले तो सही यार। अच्छा उसकी अभी हम बात कर लेते हैं। बात दरअसल दोस्तों ये है कि अभी जैसे घरों में आप 15-15, 20-20 बंदे रहें जनाब, आप रहें कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा बंदे रहें कोई मसला नहीं है, बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते, मलेशिया में क्या सूरत हाल है, पैसे कहाँ से देने हैं, रूम का खर्चा, घर बच्चों को भेज, सब मैं सब जानता हूँ यार, मलेशिया में 8-10 साल मुझे भी हो गए
हैं। ठीक है जी, मेरी आपसे एक अपील है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, जब आपने खाना खा लिया निकलना है, रोड पे निकलना है, बाहर जाना है, तो जनाब प्लीज आप जो है वो तीन तीन चार चार बंदे ना जाया करें, एक दो बंदा जाए खाना खाएं अपना आ जाए, दूसरा बंदा चला जाए, या अलग अलग होकर सारे जाएं, जो भी चक्कर है जिस तरह भी जाना है। आपको मेरी बात की समझ तो आ गई होगी। इससे पहले जनाब संडे होता था, पब्लिक हॉलीडे होता था, तो जनाब जैसे बाहर निकलो तो देखो तो जनाब पाँच पाँच सात सात बंदे हमारे पाकिस्तानी जा रहे हैं, इंडियन जा रहे हैं, बांग्लादेशी जा रहे हैं, तो खुदारा उस बात से बचे हैं। हमारी रेपुटेशन जो है वो किस तरह की है मलेशिया में, वो मैं अभी आपको अगर पता है तो ठीक है, मैं आपको समझा नहीं सकता। सोशल मीडिया पे बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि जनाब ये बरका आसिम जो है वो कुंपल करके जो है वो जनाब घूमते हैं, तो इस तरह कोरोना फैल रहा है। अभी कोरोना है कि नहीं है, फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन नाम तो गंदा हो रहा है ना यार। तो खुदारा आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि घरों से मत निकलें, सिर्फ काम से निकलें। और इमिग्रेशन मलेशिया को भी पुश कर दिया गया, साथ ही डीबीकेएल को भी और पुलिस को भी। ठीक है जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर है जी, अंदर की खबर है जनाब। उनको भी कहा गया कि जहाँ पे बंदे आपको मिलते हैं उनको चेक करें, और अपना अब अगर उनके पास पुलिस रिपोर्ट नहीं है, जो पुलिस से अपना इजाजत लेना पड़ती है भी, मतलब इजाजतनामा लेके बाद जाना पड़ता है, अगर उनके पास वो नहीं है तो उनको अंदर डाल दो और कोई बंदा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये ना हो कि जनाब आपके साथ कोई ड्रामा हो जाए। अच्छा भला वीजा हो आपके पास, घर चल रहा हो, काम जा रहे हो, पैसे भी मिल रहे हो, घर बच्चों को भी भेज रहे हो, और सारा जो है वो ठप हो जाए, आपको जेल काटनी पड़ जाए। तो ये जो पी के पी बी लगी हुई है जनाब, तो इससे बचें, थोड़ा सा एहतियात कर लें, जैसे हालात नॉर्मल होते हैं आप फिर अपनी रूटीन से चलें, कोई मसला नहीं है। अभी इमिग्रेशन मलेशिया क्या कह रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टीवी तीघा पे चली है न्यूज़ एंकर क्या कह रही है, अगर आप मलाई जानते हैं वो भी सुन लें, नहीं जानते मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये सुन लें आप पहले। Usaha Kementerian Dalam Negeri dalam membanteras aktiviti tidak sah membabitkan warga asing khususnya ketika pandemik COVID-19 sentiasa digerakkan. Menerusi penguasaan Jabatan Immigration, setiap premis hiburan yang... अभी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी है, बहुत लंबी वीडियो है, 5-6 मिनट का पूरा क्लिप है, तो मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगा। अभी तो इसमें जो है इमिग्रेशन मलेशिया ने अपरासियां भी की हैं। ठीक है जी, अभी ये आपने देखा न्यूज एंकर कह रही है जी कि वर्गा आसिन जो है ये बैठते नहीं है गाड़ी, ये जनाब जलन जलन ही हो रही है इनकी, इनको ये जो लॉकडाउन लगा इसका कोई चक्कर नहीं है, इनकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं है, तो इनको भी पकड़ा जाए। तो इमिग्रेशन मलेशिया जो है इसलिए भी हरकत में आई है कि जिन बंदों के पास जो पुलिस वाले जो फार्म मिलते हैं, पुलिस से रिपोर्ट बनवा के अपनी इजाजत लेना पड़ती है, वो जिन बंदों के पास नहीं है उनको पकड़ के अंदर डालते जाओ, और साथ ही उनका जो है बैलिक्स डाल के उनको फारग करते जाओ। तो ये ना हो जाना आपको कोई काम कट्टा खुल जाए कोई। अभी जो इमिग्रेशन मलेशिया की आप अपराशी भी देख लें, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें आप। Dan sekaligus melanggar prosedur operasi standar SOP PKPB COVID-19. अभी ये भी वीडियो लंबी है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सारा वायरल हो रहा है टीवी तीघा पे, आगे पीछे सोशल मीडिया पे, तो प्लीज़ दोस्तों एहतियात करें, अपने घरों से फजूल मत निकलें। खुदारा इमिग्रेशन को पुश किया गया कि रिहायरिंग खोल दिया, साथ में इधर से भी सफाई करें। तो ये ना हो जनाब कि आप रिहायरिंग का तो पता नहीं हो, दूसरी तरफ से सफाई जाए बंदों को ज़्यादा हो जाए, आपका नुकसान हो जाए। काम से घरों से निकलें, वरना आप जो है वो स्टे होम स्टे सेफ करें। प्लीज़ अपना भी ख्याल करें और अपनी फैमिली का भी ख्याल करें। अभी जनाब कल की एक और खबर जो है वो वायरल हो रही है कि जलन बंगसर अपना जी ब्रिकफील्ड की साइड में जो है वो एक बंदे का कत्ल हुआ है रात को। ठीक है, अभी उसकी चेहरे की तस्वीरें तो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, दूर वाली तस्वीरें जो है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। जनाब सुबह 5:30 बजे बंदे की लाश जो है वो सड़क के ऊपर मिली है, अज़ा उसके काटे हुए हैं। ठीक है, तो जनाब मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है, जो हमारे भाई मलेशिया में हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियन हैं, या जहां कहीं से भी हैं, अगर तो आप किसी बंदे को जानते हैं पीछे से, उसका बायोडाटा सारा आपको पता है, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर किसी बंदे को आप सिर्फ मलेशिया से ही जानते हैं, तो जनाब प्लीज़ रात बराते किसी के साथ ना निकलें। ठीक है जी, अपने पैसों का लेन देन किसी से ज़्यादा ना करें जिस बंदे को आप मलेशिया से जानते हैं। तो प्लीज़ आपको पता है कि अपना एहतियात करें, कोई बंदा भी किसी भी रंग में हो सकता है, किसी का कोई पता नहीं। ठीक है जी, ये वही बंदे काम डलवाते हैं जो बंदे आपके साथ होते हैं, दूसरे बंदे को जो है आपका पता नहीं होता, दूसरा बंदा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब भी मरवाता है वही बंदा मरवाता है जिसके ऊपर बंदे को ज़्यादा ट्रस्ट होता है। अभी इस बंदे के साथ क्या केस हुआ है कोई पता नहीं है, पैसों का था या कोई लड़की का चक्कर था या क्या चक्कर था, कोई चक्कर समझ में नहीं आया। कल की जो है जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं मलेशिया में, अभी आप दोस्तों को पहुँच गई हैं पता नहीं। तो जनाब मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कमाई करने के लिए आए हैं, दिहाड़ी दब्बे के लिए आए हैं, तो जनाब अपने दाएँ बाएँ जो बंदे हैं जो आपके पास हैं, मैं सब दोस्तों को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन प्लीज़ किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले आप देख लें कि यार मुझे नुकसान भी हो सकता है, मैं तो इस बंदे को जानता ही नहीं हूँ। तो आप पैसों का लेन देन इस तरह बंदों से ना करें, या किसी के साथ मशकूक हालात में रात को इस तरह अकेली वीरान जगहों पे आप ना जाएं,
प्लीज़ अपना ख्याल करें, अपनी फैमिली का ख्याल करें। ये भी यार किसी का भाई था, किसी का बेटा था, ठीक है, किसी का शौहर होगा या जो भी आप लगा लें यार, तो अल्लाह की ज़ात पाक भाई इसको जन्नत और फिरदौस में जगह दे अगर ये मुसलमान है, ठीक है जी। तो जो भी है भाई, बाकी बेटे तो सबको प्यारे होते हैं, तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि अपना ख्याल करें, अपनी जान का ख्याल करें और अपने घर वालों का भी ख्याल करें। ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये अपडेटिंग मैंने अपने देखने वालों को दी है, जो मेरे भाई मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, क्योंकि मुझे पता है मुझे देखने वाले, मुझे फॉलो करने वाले, मुझे लाइक करने वाले जो मेरे भाई हैं वो मेरी तरह के सिंपल आदमी हैं। मैं भी पाकिस्तान पंजाब से हूँ, पंजाबी आदमी हूँ, उर्दू भी सही तरह नहीं आता, तो जनाब जितनी कोशिश होती है कि यार जितनी मेरे भाई किसी की हेल्प हो सके मैं कर सकूँ। तो जो बंदे ढेर होशियार हैं ये उनके लिए नहीं है, जिनको फारग लग रहा है कि ये वीडियो बंदा फारग बना रहा है वो बंदा वीडियो छोड़ के जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ये मैंने अपने उन भाइयों को अपडेट किया जिनको इस सारे लोचे का पता नहीं है, तो ये ना किसी दिन उनका नुकसान हो जाए। गरीब आदमी अपने पैसे खर्च के एजेंटों के जरिए से, जिस तरह भी आपको पता है, जिस तरह बंदा मलेशिया पहुंचता है, तो इतना कुछ अपना जाया करके बंदा मलेशिया पहुंचे और छोटी सी एक बात की वजह से इंग्लिश के अंदर चढ़ जाए और बंदे का नुकसान हो जाए। बॉस वगैरह भी पीछे नहीं आते, वो भी आप सबको पता है कैसा सिस्टम है सारा, अभी मैं सारा क्लियर खोल के नहीं बताना चाहता। तो ये मेरे उन भाइयों के लिए जो सिंपल आदमी है, जो हमारे भाई ढेर होशियार है, वो मच्छियां जो है वो पत्थर चाट के मुड़ने वाली है, वो जब पत्थर चाटेंगे पता चलेगा कि हाँ जी वो ये तो ये है, तो कान पे पड़ेगी, फिर पता चलेगा कि नहीं यार वो बंदा सही कह रहा था। बहुत सारे मैं ऐसे बंदों को जानता हूं, तकरीबन 100 से ज्यादा बंदों को जानता हूं जो डिपोर्ट हो गए जनाब, फारग हो गए अपने घरों में, ब्लैकलिस्ट है, ठीक है, वो ढेर होशियार थे, ठीक है। तो जनाब आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि घूमने निकलें जरूर निकलें, लेकिन इस वक्त जो है वो फिलहाल आप ख्याल करें, खाना खाने केले केले जाएं, ग्रुपों में ना घूमें, कहीं जाना भी है तो एक दो बंदा मास्क जो है वो प्रॉपरली वियर करें, उसको पहने, ठीक है जी। तो अपनी मुकम्मल SOP से जो है आप निकलें, अपना ख्याल करें हर चीज़ का, तो इससे आपका नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा होगा, ठीक है जी। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं आउटपास के मतलब, बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे आउटपास के मतलब, तो भाईजान आउटपास की अभी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अनाउंसमेंट तो हो गई है कि 16 नवंबर से स्टार्ट है और 30 जून 2021 तक चलेंगे आउटपास। अभी जो है वो जिस तरह बाकी प्रोसेस सारा सामने आया रिहायरिंग का, जिसके ऊपर मेरी लास्ट 2-3 वीडियो ऑलरेडी मौजूद हैं, आप विजिट कर सकते हैं। अभी उसका सारा प्रोसेस सामने आया कि लेवी इस तरह पे करनी है, इस तरह अप्लाई करना है, ये बंदे ले सकते हैं, ये बंदे जा सकते हैं, इतनी फीस है, ये सारा चक्कर है, ठीक है जी। लेकिन मेरे भाई अभी तक आउट पास की जो है वो क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आई कि कब कहाँ कैसे ओपन होगा, किस वेबसाइट से अप्लाई करने हैं, कौन से बंदे का कितना जुर्माना है, ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे या बंदे फ्री में डाल दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, या क्या चक्कर है, इसका मुकम्मल प्रोसेस सामने नहीं आया, ठीक है। जैसे इसका मुकम्मल प्रोसेस सामने आता है इंशाल्लाह मैं अच्छी सी और पूरे एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बना के भाइयों को अपडेट करूंगा। आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ चंद दिन वेट कर लें, चंद दिन के सामने ये सारी तस्वीर जो है वो क्लियर होकर सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। तो एजेंटों से बचे, फिलहाल आउटपास के मतलब कोई इंफॉर्मेशन जो है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई, सिर्फ डेट अनाउंस हुई है, लेकिन अभी प्रोसेस जो है वो किस तरह करना है उसका कोई पता नहीं है। और इसके साथ एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत सारे बंदों के सवाल आते हैं कि भाई हमारा जो है वर्क वीजा 2020 में खत्म हुआ है, हम बिना आउटपास के जा सकते हैं। तो जनाब मैं इस बात के ऊपर पहले ऑलरेडी वीडियो बना दिया, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आउटपास उन बंदों को लेने की जरूरत नहीं है जिनका विजिट वीजा था। मलेशिया इमिग्रेशन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जिनका विजिट वीजा है वो 2020 में एक्सपायर हुआ है, वो बंदे बिना आउटपास के जिस मुल्क में जाना है उस मुल्क की SOP को फॉलो करें और जाएं, ठीक है जी। विजिट वीजे वाले वो बंदे सिर्फ जा सकते हैं जिनका विजिट वीजा 2020 की 1 जनवरी से लेकर अपना जी अभी तक जो है आज की डेट तक जो है वो एक्सपायर हुआ है, वो बंदे जा सकते हैं, लेकिन वीजा उनका विजिट का था। जिनका वर्क वीजा था, किसी भी कैटेगरी का लॉन्ग टर्म वीजा था, वर्क वीजा था, वो इसमें शामिल नहीं है, उनको जो है वो आउटपास लेना पड़ेगा, वो बाकी सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन विजिट वीजे वाले जो है वो बिना आउटपास के अपने टिकट लें, कोरोना टेस्ट करवाएं, जिस कंट्री में जाना है उसकी SOP जो है वो कैसे मलेशिया से आप वापस उस कंट्री में जा सकते हैं उसकी SOP को फॉलो करें और आप भाई अपने घर जा सकते हैं, ठीक है जी। और अभी हम बात कर लेते हैं जो हमारे भाई पाकिस्तान में स्टक हुए हैं, इंडिया में या बांग्लादेश में, उनके वर्क वीजे थे और वीजे उनके एक्सपायर हो गए हैं, वो बंदे मलेशिया वापस आना चाहते हैं, उनके लिए जनाब उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, वीडियो मौजूद है चैनल के ऊपर, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा छोटी सी अपना जो है वो बात में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई आप मलेशिया आ सकते हैं, लेकिन आने का प्रोसेस ये है कि लॉकडाउन खत्म हो जाए, इमिग्रेशन मलेशिया के ऑफिस जो है वो रीओपन हो जाए, तो आपका बॉस जो है वो ऑफिस में जाएगा इमिग्रेशन के और वहां जाके आपका वीजा जो है
की कॉपी देगा कि ये मेरा बंदा था, इस डेट को आपकी जो है वो मलेशिया से एग्जिट की स्टैंप दिखाएगा कि जनाब ये मेरा बंदा था, इस डेट को वो अपना बांग्लादेश, इंडिया या पाकिस्तान गया छुट्टी के लिए। उसके बाद कोरोना आ गया, वहां पे स्टक हो गया, इसका वीजा खत्म हो गया, तो जनाब उसको जो है वो अप्रूवल मिलेगी, उस अप्रूवल के ऊपर आप जो है वो ट्रैवल कर सकोगे। तब तक जो है वो आप वेट करें, या जैसे ही कोई फ्यूचर में कोई अच्छी न्यूज, को गुड इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के लिए आती है तो वो भी मुकम्मल वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी, मैं आप दोस्तों को अपडेट कर दूंगा, ठीक है जी। जो मेरे भाई पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से नए विजिट वीजे लेके मलेशिया आना चाहते हैं और ख्वाहिशमंद हैं, तो जनाब मैं आपको बता दूं कि मलेशिया लॉकडाउन है फिलहाल, मुकम्मल जो है वो वीजे बंद हैं, 31 दिसंबर तक बॉर्डर भी क्लोज हैं और वीजे भी बंद हैं। तो प्लीज आपने किसी एजेंट को जो है वो पैसे नहीं देने, टेम्परेरी क्लोज है, मुकम्मल बंद नहीं है, टेम्परेरी क्लोज किया गया है कुछ टाइम के लिए। तो जैसे री ओपन होता है इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के आपको अपडेट करूंगा, फिर आप जो है वो किसी से बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल जो है वो विजिट वीजे भी क्लोज हैं और वर्क वीजे भी क्लोज हैं। किसी का वर्क वीजा मलेशिया से इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं आएगा नया वीजा, ठीक है, क्लोज है। तो जैसे ही फ्यूचर नोटिफिकेशन आता है टेम्परेरी क्लोज किया गया है, तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूंगा, तब आप किसी से जो है वो बात कर सकते हैं, प्राइस भी आपको बताऊंगा, उस हिसाब से आप जो है किसी से वीजा ले सकते हैं, ठीक है जी। और अभी बात कर लेते हैं जिन मेरे भाइयों को अप्रूवल मिल गई है माई ट्रैवल पास से, पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं वो, इंडिया से आना चाह रहे हैं या बांग्लादेश से आना चाह रहे हैं, उनको अप्रूवल मिल गई है। और उनके लिए जनाब इमिग्रेशन मलेशिया ने एक वेबसाइट जो है वो मुतारफ करवाई थी, माई सेफ ट्रैवल, जिनमें उन्होंने बताया था कि जनाब आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है आने से पहले। तो ये 15 नवंबर से स्टार्ट थी लास्ट वीक से, तो जनाब लास्ट वीक से इसने काम नहीं किया, इसमें आया एरर, इसमें आई है खराबी, ठीक है। तो आप दोस्तों को ऑनलाइन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप जो है वो मलेशिया एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचेंगे, इमिग्रेशन के काउंटर पे जाएंगे, चौप लगवाने से पहले आपको सारी पेमेंट करनी होगी, फिर आपको जो है वो चौप लगा के मलेशिया मासूक किया जाएगा, क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है, ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, नो एक्सक्यूज है इसमें, ये क्लियर है, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि ये वेबसाइट काम नहीं कर रही, आप ऑनलाइन पेमेंट ना करें, आप आ सकते हैं, अपनी पेमेंट करवाएं इमिग्रेशन अकाउंट पे जाने से पहले, अपनी चौप लेने से पहले। आप पेमेंट नहीं करेंगे, आपको इमिग्रेशन चौप क्लियर नहीं लगाएगी, आपको मलेशिया मासूम नहीं किया जाएगा, क्वारंटीन के लिए नहीं भेजा जाएगा, तभी तक आप एयरपोर्ट के ऊपर ही स्टक रहोगे, वहीं पे आपको रोका जाएगा या वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लिहाजा बात दरअसल यह है कि आप ऑनलाइन पेमेंट ना करें, आके आप एयरपोर्ट पे पैसे दे सकते हैं जैसे पहले नॉर्मल बंदे पे कर रहे थे। तो दोस्तों सबसे एंड पे बात कर लेते हैं कि इमिग्रेशन मलेशिया के ऑफिसर्स भी पकड़े गए हैं, लोकल मलेशियन भी पकड़े गए हैं और बड़ी बड़ी मछियां हमारे बड़े 5-7 एजेंट जो हैं वो भी पकड़े गए हैं, ठीक है जी। ये तो अच्छा ही हुआ, गंद थोड़ा साफ हुआ जनाब। ये बंदे वो काम कर रहे थे कि जो बंदे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश गए हैं, कोरोना में वीजे खत्म हो गए, उनके पासपोर्ट मंगवा के अंदर खाते उनके वीजे रिन्यू करवाए जा रहे थे, या काउंटर सेटिंग वाला चक्कर था, चौपे लगवा के उनको अपना स्पेशल पास दे के, या आउट पास बिना ब्लैकलिस्ट किए आउट पास या स्पेशल पास लगा के उनको निकालने के चक्कर में थे। तो जनाब ये सारे ग्रुप हो गए हैं, इमिग्रेशन मलेशिया की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि जो ऑफिसर पकड़े गए हैं वो तो डिसमिस किए जाएंगे, लेकिन जो बंदे दूसरे पकड़े गए हैं, लोकल या फॉरेनर जो पकड़े गए हैं 8-10, उनके साथ क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। तो इसीलिए भाईजान मैंने हमेशा आपसे अपील किया, रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ भाई अपना ख्याल करें, अपने घर वालों का भी ख्याल करें, दूसरी कंट्री है, जेल बहुत गंदी है, कानून आप सबको पता है, तो प्लीज़ जो है वो इस तरह की कैटेगरी से बचें, काउंटर सेटिंग के चक्कर में बार बार खाते अंदर खाते पैसा दिलवा के, 2 नंबर काम जो जिस तरह होता है आप सबको पता है, वो मैं इशारा कर देता हूँ, थोड़ा आप समझ जाया करें। तो जनाब इस सारे से बचें, इसका अंजाम जो है वो कभी कभी बहुत बुरा भी हो सकता है, ठीक है जी। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, लेकिन कभी हो जाता है, कभी बंदा फंस भी जाता है, ठीक है जी। तो प्लीज आप जो है वो इससे बचें और इससे एहतियात करें। तो अभी मेरी सब दोस्तों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो बार वक्त आपको मिल सके। और उसके साथ ही अगर आप भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी हेल्प करना चाहते हैं, तो भी भाई ये नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ ही सब्सक्राइब आ रहा है, इसको प्रेस कर दें, आपकी सपोर्ट भी हमें मिल जाएगी और हमारी हेल्प भी हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो के साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।